नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। लांजी मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर ग्राम पौसेरा, बड़गांव, कोचेवाही, दुल्हापुर, ए टेमनी और अन्य पंचायतों में गीता रहंगडाले के चुनाव चिन्ह उगता हुआ सूरज के लिए प्रचार एवं लोगों से समर्थन करने की अपील की गई। आपने कार्यकाल में विकास कार्यों का उल्लेख किया। इस सभा में प्रत्याशी गीता रहंगडाले, शेषराम रहंगडाले, जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस बालाघाट अजय अवसरे, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी लांजी, पार्टी कार्यकर्ता, नेता, ग्राम के लोगों, भारी संख्या में पुरुष एवं महिलाएं मतदाता उपस्थित रहे। इस चुनावी सभा में विधायक सहित अन्य वक्ताओं ने अपने विचार रखे। इस बार आप लोग हमारी जो कांग्रेस की उम्मीदवार, जो कांग्रेस पार्टी के समर्थित उम्मीदवार है, जिनका निशान उगता सूरज है, उनको भी आप लोग बहुमूल्य समर्थन अपना देंगे, बहुमूल्य वोट अपना आप लोग देंगे। मैं जब से विधायक बनी हूँ तब से कहीं ना कहीं आगे पीछे चलता ही रहा है। मैं जब विधायक बनी तो सरकार बीजेपी की बन गई, जब जिला पंचायत की बात है तो जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा। और इस बार जो मौसम है, तो जैसा अभी आप लोगों ने सुना शेषराम रहंगडाले जी को, कि अभी तक पहले चरण के जितने मतदान हुए हैं उन सब में जिला पंचायत में कांग्रेस का बहुमत सबसे आगे रहा है। लांजी विधानसभा क्षेत्र में भी 6 जिला पंचायत क्षेत्र पड़ते हैं। पिछली बार पौसेरा ग्राम में सहयोग तो किया, इसमें कोई दो मत की बात नहीं, क्योंकि हमने जब जब आप लोगों से सहयोग मांगा है हमेशा सहयोग मिला है। पर जिला पंचायत क्षेत्र पता नहीं अब किसकी गलती से है कि बीजेपी का उम्मीदवार यहाँ से जीत जाता था। और जब काम की बात आती है तो मैं ये कह सकती हूँ कि जब से आप लोगों ने मुझे विधायक बनाया तब से लेकर लगातार मैं हमेशा कह रही थी कि भाई रोड बहुत अच्छी बन गई है। एक और खुशखबरी आप लोगों को तो पता ही है, हमारे पौसेरा वालों को, कि आपने जो हल्दी टोला परसा टोला वाली रोड है, लगभग 6 करोड़ की रोड वहां से सीधे पौसेरा आने वाली है। आप लोगों को जानकारी है कि नहीं, पता चल गया है सबको? पता चल गया? देखो इतने सब इतने बुजुर्ग पुरुष है, उनको सब मुंडी हिला रहे। अरे रिश्तेदारी में तो इधर भी जाओगे कि नहीं जाओगे? इधर है कि नहीं बड़गांव में, कोचेवाही में, इधर रिश्तेदारी है कि नहीं? सीधे तुम्हारे हल्दी टोला परसा टोला वाली रोड में जाकर ये सीधी रोड मिल जाएगी, डामरीकरण वाली रोड बन जाएगी, तो पूरी रिश्तेदारी में भी निभाने सही रहेगा। और ऐसे घूम के नहीं जाना पड़ेगा, ये तो पहले घोटी जाओ, फिर लाजी जाओ, फिर उधर जाओ, ऐसे ही जाते थे ना पहले कि सीधे सीधे चले जाते थे। वो जो आप घूम कर जाते थे, अब आपको घूम कर जाने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग सीधे सीधे यहाँ से निकल जाएंगे, बारिश के बाद उस रोड का भी काम चालू हो जाएगा। आप सब लोगों को मालूम है कि ये बहुत सारे काम है जो आप लोगों के आशीर्वाद से हो रहे हैं।